मुझे लगता है कि आप लोग तो ऑलरेडी करते होंगे, पर आप भी जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं है, आप वर्ल्ड में किसी से भी लाओ, आज लोग तैयार है इंडिया में आने के लिए, तो इसका भी उपयोग आप करिए। मैं बहुत आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ, जिस प्रकार से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई, उसी प्रकार से माइनिंग सेक्टर में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उसी गति से अब डेवलपमेंट होने वाली है, और इसलिए पावर सेक्टर में भी हो रही है। तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चार बातें हुए बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री नहीं आएगी, और इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी उसके बिना ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, रोजगार निर्माण नहीं होगा, और रोजगार निर्माण नहीं होगा तो गरीबी दूर नहीं होगी, और इसलिए वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ। और ये जो पांचवें से तीसरे नंबर पर जाना है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो मैंने कहा है कि 5 साल के अंदर हम 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनेंगे और वर्ल्ड की नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग हब हम बनेंगे, ये हमारा उद्दिष्ट भी है, और आपके सबके सहयोग से वो निश्चित रूप से पूरा होगा, इस बात का मुझे विश्वास भी है।